behavior of conductor in electric field. देखो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड में पहली प्रॉपर्टी है जो मैं ऑलरेडी पता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. ई की वैल्यू नेट क्या होती है? जीरो. इसको समझने के लिए एक पॉइंट को समझो. सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये रहा पॉजिटिव प्लेट और ये रही नेगेटिव प्लेट, ये रही, और मैंने इसके बीच में एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया. ये मैंने कंडक्टर इसके बीच में रख दिया, ठीक है यहां तक. अब एक चीज बताओ कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये अप्लाई किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है ई एक्सटर्नल. तो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जिसकी डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब बाय इंडक्शन, कंडक्टर में इंडक्शन लगती है, तो बाय इंडक्शन पॉजिटिव विल प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज, एंड यहां पर क्या कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो इंडक्शन हो गई. कंडक्टर में इंडक्शन का रूल है कि अगर ये चार्ज प्लस क्यू है और अगर ये चार्ज माइनस क्यू है, तो बाय इंडक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ही प्रोड्यूस हो पाता है. तो प्लस क्यू ने माइनस क्यू, माइनस क्यू ने प्लस क्यू. क्लियर है यहां तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है. मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10 है, 10 है. अब इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. अब आप कहेंगे वो कैसे होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है. देखो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्योंकि ये चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू है, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना जनरेट किया? 10. अब क्योंकि ये भी क्यू और माइनस क्यू है, तो ये भी मैग्नीट्यूड क्या जनरेट करेगा? 10, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन ये कहते हैं कोई भी पॉइंट अगर मैं कहीं भी लूं, तो एक अफेक्ट एक्सटर्नल का है और दूसरा अफेक्ट इसके ऊपर इंड्यूस्ड का है, और दोनों की डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, तो दोनों वेक्टर कैंसिल. तो नेट ई की वैल्यू इनसाइड अ कंडक्टर क्या आएगी? जीरो. तो हर पॉइंट पर क्या लगेगा? सुपर पोजिशन, क्योंकि ई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है. तो वहां से एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है कि ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, पर उसका फायदा नहीं होता, बाहर और अंदर का फील्ड आपस में कैंसिल हो जाता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया प्लेट्स ने, जिसका मैग्नीट्यूड 10 है पॉजिटिव से नेगेटिव. इंडक्शन हुई, इंडक्शन में चार्जेस भी बराबर है, तो इंडक्शन ने उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि चार्जेस ये भी क्यू और माइनस क्यू है, तो मैग्नीट्यूड इसका भी 10 है. तो अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के अंदर लें, उस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, एक बाहर वाला राइट और एक अंदर वाला लेफ्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो नेट आंसर क्या आएगा? जीरो. तो ये पहली प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट ई की वैल्यू जीरो है. डायग्राम करेक्ट करो, ये गलत डायग्राम है. ये प्लेट पॉजिटिव है और ये बाहर नेगेटिव है, इसने अंदर बना रखा है पता नहीं क्यों, ये गलत है, बाहर नेगेटिव है, और ये प्लेट नेगेटिव है और ये प्लेट बाहर पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिव है. तो ऐसे डायग्राम करेक्ट करो. और ये मैंने बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने 10 लिया, इसका भी 10 लिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, नेट आंसर क्या आ गया? जीरो. सर एक और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ, मैंने ये बताया कि बाहर प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना जनरेट किया, मान लो 10, ई की वैल्यू 10 है मैग्नीट्यूड में, और इस प्लस से माइनस ने भी ऑपोजिट प्लस से माइनस कंडक्टर के अंदर जनरेट किया 10, ई इंड्यूस्ड. क्लियर है यहां तक? यस सर. अब अगर कोई पॉइंट यहां पे लें, तो उसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक ये वाला राइट और एक ये वाला लेफ्ट, जिन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट ई क्या हो जाएगा? जीरो. ओके सर, ठीक है यहां तक. तो ये आपका
वैसे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर हाँ वैसे बता रहा हूँ मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस ये यूज होगा, इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कैसे बनती है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर नॉर्मल। सेकेंड प्रॉपर्टी किया हुआ है हमने। थर्ड प्रॉपर्टी, नेट चार्ज इनसाइड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टे नहीं करता, क्या होगा, जीरो। और कोई भी अगर चार्ज एक्सेस में है तो सरफेस ऑफ कंडक्टर पे आएगा, अंदर चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्योंकि जीरो है, चाहे वो कैसी भी शेप का हो, तो ई क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। अगर ई जीरो है तो वी की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के पास अगर हम कोई पॉइंट लें तो वहां पर ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक प्रेशर में ये टॉपिक किया हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो एक कैविटी है किसी कंडक्टर के अंदर, एक चार्ज कंडक्टर है, बीच में कैविटी है, खाली स्पेस है शेल की तरह, तो वहां पर ई क्या होगा, जीरो, वहां पर वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जो कि आपको पता होनी चाहिए।